एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में बीते मंगलवार को तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति युद्ध अभ्यास के जरिए देश में बने हथियारों की ताकत दिखाई। इस युद्ध अभ्यास को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचे। भारत में बने हथियारों की ताकत देखकर उन्होंने कहा कि आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत के आत्मविश्वास और भारत के आत्मगौरव की त्रिवेणी का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का दम भी दिखा रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने नीति विषयक सुधार किए, रिफॉर्म्स किए, हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा, हमने MSME स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है। हमने जो दृश्य देखा अपनी तीनों सेनाओं का, जो पराक्रम देखा वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है। बता दें कि इस अभ्यास में भारतीय सेना के कई हथियारों के साथ साथ T-90 टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश अस्त्र प्रणाली, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक मुलियंस, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। इसके अलावा भारतीय सेना ने उन्नत जमीनी युद्ध और हवाई निगरानी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज जो हमने दृश्य देखा, तीनों सेनाओं का पराक्रम देखा, आसमान में गर्जना और चारों दिशाओं में गूंजता नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण भारत की आत्मनिर्भरता और भारत का गौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना।